मुद्दे की बात में आप सभी का स्वागत है। मुद्दे की बात में मेरठ में भूमाफियाओं और अफसरों के बीच चल रहे साठगांठ के खेल का खुलासा हुआ है, जहां पर मेरठ में खुफिया विभाग में तैनात रहे एक बर्खास्त सिपाही को अधिकारियों के कहने पर 1500 एकड़ जमीन घोटाले के मामले की जांच करना इतना भारी पड़ गया कि उसे अपनी नौकरी तक से हाथ गंवाना पड़ गया। हद तो तब हो गई जब आपको बता दें कि सिपाही से भूमि घोटाले की जांच करने वाले अफसर ही भूमाफियाओं से मिल गए और सिपाहियों को बर्खास्त कर दिया। अब इस पूरे मामले में बर्खास्त सिपाही ने मेरठ मंडल सहित जिले के अफसरों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बर्खास्त सिपाही ने थाने में शिकायती पत्र देकर अफसरों पर मुकदमा दर्ज करने की गुहार लगाई है। इसके साथ ही अपने परिवार को जान का खतरा भी बताया है। दरअसल खुफिया विभाग में सिपाही पद पर तैनात रहे देवेंद्र सिंह ने शिकायत पत्र देकर यह आरोप लगाया कि मेरठ जिले के ADG कमिश्नर SSP और DM ने कंकरखेड़ा स्थित नगला ताशी में 1500 एकड़ सरकारी भूमि को भूमाफियाओं के द्वारा कब्जा किए जाने के प्रकरण की जांच के लिए उसे तैयार किया और इसके लिए बाकायदा उसकी झांसी में तैनाती होने के बावजूद उसे 9 महीने तक लगातार लंबा अवकाश दिलाए रखा। उसका इस्तेमाल घोटाले से जुड़े साक्ष्य सामने लाने के लिए किया जाता रहा। इस मामले में जब सिपाही की निष्पक्ष जांच की तो सत्ताधारी पार्टी के कई लोगों के नाम भी सामने आए, जिनके विरुद्ध अलग अलग थानों में मुकदमे दर्ज किए गए। इतना ही नहीं, सिपाही ने पत्र में लिखा कि बाद में अधिकारियों ने भूमाफियाओं से तालमेल बना लिया और पूरे प्रकरण को दबा दिया। और जब सिपाही ने इस बात का विरोध किया तो अधिकारियों ने उक्त सिपाही को ही आरोप लगाकर सेवा से बर्खास्त कर दिया। सिपाही के बर्खास्त होने की खबर जैसे ही सिपाही के पिता को चली, वो डिप्रेशन में आ गए और ब्रेन हैमरेज के शिकार हो गए। अब बर्खास्त सिपाही के पिता मेरठ के अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। सिपाही ने अब तमाम अधिकारियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और मुकदमा दर्ज कर परिवार की जान का खतरा जताते हुए सुरक्षा की गुहार लगाई है। आज इसी मुद्दे पर विस्तार से होगी बातचीत। खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, उनसे आपको हम मिलवाते हैं, उनका परिचय कराते हैं। तो इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ में खास मेहमानों का पूरा पैनल जुड़ने जा रहा है। सबसे पहले हम आपको परिचय करवाते हैं आलोक त्रिपाठी जी से, वरिष्ठ पत्रकार हैं, लखनऊ से हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। राजू शर्मा हमारे संवाददाता हैं, मेरठ से जुड़ चुके हैं। राजू, पूरा मामला क्या है एक बार विस्तार से बताएं, इसके बाद अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं। देखिए गरिमा, पूरा मामला उत्तर प्रदेश शासन में जो नौकर साहा है उनसे जुड़ा हुआ है। बाकायदा एक सिपाही जो इंटेलिजेंस यानी खुफिया विभाग में तैनात था, उसके द्वारा आरोप लगाया गया है कि मेरठ मंडल के जो तमाम अधिकारी है, चाहे ADG की बात हो, चाहे कमिश्नर की बात हो, SSP की बात हो, या मेरठ के DM दीपक मीणा की बात हो, उनके द्वारा सिपाही से बाकायदा एक 1500 एकड़ जो भूमि थी सरकारी, जिस पर भूमाफियाओं द्वारा कब्जा कर प्लॉटिंग कर दी गई थी, उसकी जांच कराई गई। खुफिया इनपुट उससे लिए गए। जब पूरे इनपुट और साक्ष्य सब उसने अधिकारियों को निष्पक्ष रूप से उपलब्ध करा दिए गए, तो जो अधिकारी थे उन्होंने, जब सत्ता पक्ष के कुछ नेताओं के उस मामले में नाम सामने आए, तो मामले में गठजोड़ कर फाइल को दबा दिया। इतना ही नहीं, जब बर्खास्त जो सिपाही है उसने इस पूरे मामले का विरोध किया, अधिकारियों से कहा कि इस पूरे मामले की जब निष्पक्ष जांच हुई है, आरोप सिद्ध हुए हैं, तो उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही, तो जो तमाम जो अधिकारी है उन्होंने उस पर आरोप प्रत्यारोप लगाकर उस सिपाही को बर्खास्त करा दिया। अब जैसे ही सिपाही बर्खास्त हुआ, उसके परिजनों को इसकी जानकारी मिली, तो बर्खास्त सिपाही के जो पिता है यानी कि पापा जो है, उसके डिप्रेशन में आ गए और ब्रेन हैमरेज के शिकार हो गए। अब वो फिलहाल मेरठ के एक अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। पीड़ित सिपाही ने अब मेरठ के आला अधिकारियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और तहरीर दी है मेरठ के सिविल लाइन थाने में कि उनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया जाए और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की जाए। सिपाही ने पूरे परिवार का जो है जान का खतरा भी जताया है।
सिपाही का कहना है कि मेरे परिवार को और मुझे जान का खतरा है, मेरी हत्या भी करा दी जा सकती है। तो कहीं ना कहीं गरिमा देख के जिस तरह से मेरठ के तमाम अधिकारियों पर आरोप लगे हैं, वो भी उन अधिकारियों पर जिनके कंधों पर जिम्मा है निष्पक्ष आम जनता को जो है इंसाफ दिलाने का, उनकी सुनवाई करने का, वही अगर भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाते हैं तो वो आम जनता को कैसे इंसाफ दिला पाएंगे, कैसे उनका जो कार्रवाई है उनकी कार्रवाई है वो निष्पक्ष तौर पर कर पाएंगे। तो सवाल ये बड़ा है कि न्यूज का बड़ा सवाल है कि जो मेरठ मंडल के जो तमाम अधिकारी है अगर उन पर ही इस तरह के आरोप लग रहे हैं तो आम जनता को कैसे इंसाफ मिल पाएगा। गरिमा, बिल्कुल आलोक जी हमारे साथ में है, वरिष्ठ पत्रकार है, लखनऊ से हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। आलोक जी बहुत स्वागत आपका आज की हमारी चर्चा में। आलोक जी, ये मामला बेहद हैरान कर देने वाला है। आप सोचिए, पुलिस कर्मियों का काम होता है, पुलिस के अधिकारियों का काम होता है ऐसे भ्रष्टाचारियों का, ऐसे भूमाफियाओं को उजागर करना और इन पर सख्त एक्शन लेना। यहां तक कि प्रदेश के मुखिया भी ये कहते हैं कि भाई भूमाफियाओं पर तो बुलडोजर चलता है, लेकिन ये बुलडोजर अपने ही अपनों पर चलाने लग गए। सोचिए, अधिकारी ही सिपाही पर किस तरीके से यहां पर उनको उसका अंदर करवा दिया, उसको लेकर इतना सब कुछ कराया, किस तरीके से देख रहे हैं आप? ये मिली भगत भूमाफियाओं के साथ अधिकारियों की पूरे के पूरे विभाग पर सवाल खड़े कर रही है, बट्टा लगा रही है उनकी इमेज पर। जी गरिमा जी, देखिए जिस तरह से अभी सब मामला निकल के आया है कि एक सिपाही ने मेरठ मंडल के आला अधिकारियों को, तो ये बड़ी बात है। एक सिपाही अगर इस तरह के आरोप लगा रहा है तो ये जाहिर सी बात है कि इसमें कुछ ना कुछ तो संलिप्तता रही है, तभी इतनी बड़ा मामला खुल के आया है। और इस तरह के मामले पहले भी होते रहे हैं, लेकिन कभी जमीनों को लेकर के नहीं रहा या कभी इस तरह का नहीं रहा। कई बार क्या होता रहा है कि पुलिस आवश्यकता पड़ने पर अपने मुखबिर को ही आरोपी बना देती रही है, तो ये पहले भी रहा है। लेकिन पूरे कमिश्नर, अगर कमिश्नरी को देखें, अगर मेरठ मंडल को देखें और उसके अधिकारी मिले हुए हैं, तो जाहिर सी बात है ये बहुत बड़ा मामला होगा और सरकार को इस पे इस मामले को संज्ञान लेना चाहिए कि आखिर अगर एक सिपाही ने इस तरह का आरोप लगाया है, अब चूंकि सिपाही ने आरोप लगाया है और मेरठ के ही किसी थाने में एप्लीकेशन दी है, तो जाहिर सी बात है वहां तो उसकी सुनवाई होगी नहीं, चूंकि वो सब उन्हीं अधिकारियों के अंडर में ही आता है। तो इस मामले को सरकार को संज्ञान में लेना होगा और उस जो पत्र दिया है उस सिपाही ने थाने में, उस की जांच अपने स्तर से कराए और देखे कि क्या इसमें सत्ता दल के जो लोग हैं, वो जो मेरठ मंडल के जो अधिकारी हैं जिनके ऊपर ये आरोप लग रहे हैं, कितनी उनकी है और कितना उसका जो आरोप है उसमें कितनी सच्चाई है। क्योंकि अगर इस तरह का आरोप लग रहा है और अधिकारी उस सिपाही को सस्पेंड कर देते हैं या बर्खास्त कर देते हैं, तो जाहिर सी बात है कि इस तरह के जो नीचे के तबके के जो लोग हैं उनका मनोबल टूटेगा और वो सच बात को शासन को या सही अपने अधिकारियों की जो गलत निर्देश होते हैं उनको कैसे लोगों के सामने लाएंगे। तो इस तरह की जांचें अगर होती हैं तो कम से कम अधिकारियों का मनोबल टूटेगा, और इस तरह के जब आरोप लगते हैं और संलिप्तता होती है अधिकारी की भूमाफियाओं के साथ में, तो उसका कहीं ना कहीं एक जो काकस होता है उस पे अंकुश लगेगा। बिल्कुल साफ तौर पर देखिए, अंकुश लगना चाहिए और साथ ही साथ इस तरीके की घटनाएं क्यों हो रही हैं इस पर भी जांच होनी चाहिए और ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। आप सोचिए, एक शख्स आलोक जी यहाँ पर, उसका परिवार भी अब इस चीज को भोग रहा है, उसके पिता ब्रेन हैमरेज का शिकार हो गए क्योंकि एक मेंटल प्रेशर था, इसका भी जिम्मेदार कहीं ना कहीं शख्स ये पूरा मामला ही है। जी बिल्कुल गरिमा जी, देखिए एक सिपाही का इतने बड़े अधिकारियों के खिलाफ मोर्चा खोलना, यही अपने आप में बहुत बड़ी हिम्मत का काम है। अगर उस सिपाही ने इतनी बड़ी हिम्मत की है तो जाहिर सी बात है कि उसका खामियाजा भी उसके परिवार को भुगतना पड़ सकता है। तो सरकार को उस सिपाही की सुरक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए, साथ ही उस मामले की जांच अपने स्तर से कराए, देखे कि वहां का जो कमिश्नर है, वहां के SSP हैं, वहां का जो भी DM है, जो भी अधिकारी उस मामले में लिप्त पाए जा रहे हैं, क्या जो आरोप उस सिपाही ने लगाया है, क्योंकि वो सिपाही खुफिया विभाग में था, LIU में था, किसमें भी था, उसने जांच की। और ये बात सच है कि अधिकारी कभी कभी इस तरह के जांच अपने विश्वास पात्र सिपाहियों के द्वारा करा लेते हैं, लेकिन अब उनको ये नहीं मालूम रहा होगा कि ये जो मामला है ये उनके ही खिलाफ चला जाएगा। बिल्कुल, तो शायद अगर उनके खिलाफ नहीं गया। नहीं, वो कहते ना कि तालाब में एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, लेकिन तालाब की सारी मछलियां ही खराब हो ऐसा भी जरूरी नहीं होता। अब ये सिपाही था, ईमानदार था, उसने इस पूरे मामले पर मोर्चा खोल दिया है। खैर, आपके पास लौटेंगे अमिताभ
ठाकुर जी हमारे साथ में अभी अभी जुड़ चुके हैं, पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं लखनऊ से। अमिताभ जी बहुत स्वागत आपका के न्यूज इंडिया पर। अमिताभ जी, जो मामला सामने आया है ये बेहद हैरान कर देने वाला है। पुलिस अफसरों की छवि किस तरीके से खराब हुई है इस मामले को लेकर, इसमें उन सभी को जोड़ा गया, आप समझिए ना, एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर रही है। एक घटना से सभी पर एक क्वेश्चन मार्क लग रहा है। सोचिए, भूमाफियाओं पर बुलडोजर चलाने की जिस प्रदेश में बात होती हो, वहां की ही पुलिस भूमाफियाओं के साथ मिलीभगत कर ले, और इतना ही नहीं, मिलीभगत के बाद अपने ही विभाग के एक सिपाही को उसके पीछे फंसा तक दे। ये कैसा न्याय है सर, ये कैसा एक्शन है, और ये कैसी पुलिस है प्रदेश की? अमिताभ जी देखिए, मैं इस पर कुछ बातें कहना चाहूंगा। इसी के आधार पर कहना चाहूंगा कि जो देवेंद्र सिंह जी हैं, वो जब जिस समय सेवा में थे उस समय भी मेरी मुझसे बात हुई कई बार, उन्होंने मुझे भी सारे अभिलेख दिखाए थे। उनके पास न जाने कितने ऐसे अभिलेख हैं, व्हाट्सएप चैट हैं, तत्कालीन डीजी इंटेलिजेंस जो थे देवेंद्र सिंह चौहान उनसे जुड़े, और वहाँ के एडीजी, आईजी, कमिश्नर, डीएम, एसडीएम सब उनको बार बार कह रहे थे कि भैया इस मामले में कक्कड़ खेड़ा वाले 1500 एकड़ वाले में तुम ये करो। एक तो सीओ का मैंने अपने एक व्यक्तिगत देखा है व्हाट्सएप, उनकी जो है चैट है जिसमें सीओ कह रहा है कि यार इसके खिलाफ नहीं उसके खिलाफ हमें एफआईआर चाहिए, एफआईआर खोज के लाओ इस। और उस आदमी ने मुझे इतने गट्ठर के गट्ठर कागज दिए थे कि यह मेरे साथ मैंने इस तरह से विभाग के लिए किया। विभाग के लिए उस आदमी ने जी जान लगा दिया, परिवार को उस पर कष्ट हुआ, उनकी पत्नी को, उनके पत्नी को मैं व्यक्तिगत जानता हूँ, दोनों पूरा परिवार आहत रहा, उनके पिता से मेरी मुलाकात है, पिता आहत हुए। और जो दूध में मक्खी, जो कहते हैं हम लोग के यहाँ कि दूध में पड़ी मक्खी को फेंक देते हैं, तो जब उस आदमी का मेरी जानकारी में, मेरी व्यक्तिगत समझ में और जानकारी में सिर्फ और सिर्फ यह गुनाह है कि वह आदमी रुकना नहीं समझ पाया कि कहां हमें रुक जाना है। उनको यह समझना चाहिए था कि सिर्फ उनका इस्तेमाल हो रहा है और जैसे इस्तेमाल हो जाए वैसे मुंह बंद कर लो। वह आदमी उसकी पूरी आज वो सेवा से बर्खास्त है, आज अपनी जान बचाने को फिर रहा है हमारी पार्टी में, हमने अपनी पार्टी में उन्हें स्थान भी दिया। सोचिए, उन्होंने ये भी कह दिया कि उनके परिवार की जान को खतरा है। अमिताभ जी, परिवार की जान को भी खतरे की बात उन्होंने उनकी ओर से कही गई है। 100% आपने देखा, उनके पिता से मेरी दो बार तीन बार व्यक्तिगत बात हुई है, उनके पिता इस बात से आहत है। राजू शर्मा को पहले म्यूट कीजिए, राजू शर्मा को म्यूट कीजिए, उनकी आवाज आ रही है। किस तरह से वो परेशान हो गए, पूरा परिवार परेशान हुआ, सुरक्षा। अब देखिए, अब मैं आपको बताऊं, एसएसपी ने एक पत्र लिखा, वह पत्र मुलजिमों के पास पहुंच गया। प्रश्न यह है कि एसएसपी मेरठ द्वारा लिखा गया प्रश्न मुलजिमों के हाथ में कैसे लिख गया, जिसमें लिखा है कि देवेंद्र सिंह जो है राणा सूचना दे रहे हैं, जो सूचना दे रहा है उसका पत्र मुलजिम के हाथ में पड़ गया। वह मुलजिम 1500 करोड़ के जो घोटाले के मुलजिम, आप सोच सकती हैं कि एक सिपाही, एक अदना सिपाही की जान को किस हद तक खतरा होगा। आज की तारीख में सारे बड़े अफसर चुपचाप बैठे हैं। ये मैंने कल देखा, आज एसएसपी ने कहा कि हमने कार्रवाई की, मैं खुद उस मौके पे गया हूँ कंकड़खेड़ा वाले मामले में, 6 FIR दर्ज है विभिन्न थानों में, केवल खानापूर्ति हुई है। ठीक है, यानी आपको लग रहा है कि देखिए अब सही एक्शन होगा इस पूरे मामले में, सही तरीके से जांच होगी, इस बात को लेकर भी सिपाही संतुष्ट नजर नहीं आ रहा है। उसका मानना है कि भाई उसके परिवार की जान को खतरा है, सारी चीजें उसकी ओर से कही गई। आपके पास लौटेंगे अमिताभ जी, आलोक जी भी हमारे साथ में बने हुए, उनको जोड़ते हैं। आलोक जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। आलोक जी, आप एक पत्रकार होने के नाते इस चीज को कैसे देख रहे हैं? क्योंकि देखिए, ये वो प्रदेश है जहां पर भूमाफियाओं को पाताल से निकाल लेने की बात कही जा रही है। आप इस बयान से अवगत होंगे कि कहा जाता है कि भाई भूमाफिया पाताल में भी होंगे तो हम उनको लेकर आएंगे। बुलडोजर के नाम पर तो तारीफें लूटी गई हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस का तो बड़ा बड़ा बखान किया गया है, और ये उसी प्रदेश में ऐसी घटना हो गई, तो कहीं ना कहीं ये पुलिस अधिकारियों पर तो सवाल उठा ही रही है, लेकिन साथ ही साथ सत्ता को भी कटघरे में खड़ा कर रही है ये घटना। बुलडोजर जो चलाते हैं तो वो चलाने की स्थिति तो तब आएगी ना, उन्होंने तो बुलडोजर को सिपाही के ऊपर चला दिया ना, उसको बिल्कुल करके।
तो ये देखिए, जब कहते हैं ना कि मेड़ ही खेत ही मेड़ को खा रही है, जब जिले के जो मेन मुखिया है, जब वही भूमाफियाओं से मिले हुए हैं, उनकी ही संलिप्तता है, प्लस जो सत्तारूढ़ दल के कुछ नेता भी उसमें, जिस तरह का आपने बताया कि इस पत्र में जिक्र किया गया है, तो जाहिर सी बात है कि सत्ता का दबाव भी होगा और अधिकारियों का दबाव भी होगा, और उसी दबाव के चलते उस सिपाही को बर्खास्त किया गया, जिस सिर्फ उसका इतना दोष था कि उसने जांच करने के बाद आगे की कार्रवाई क्यों की। उसका काम जितना दिया गया था उसको कि सिर्फ उसको जांच करके दे देना चाहिए था, उसके बाद की कार्रवाई अधिकारियों को करनी थी। तो जाहिर सी बात है कि अधिकारी संलिप्त है उस पूरी घटनाक्रम में, और अधिकारी क्यों संलिप्त है, क्या ऊपर से इनके ऊपर दबाव है इसलिए संलिप्त है, या भी उसमें हिस्सा बांट है इसलिए संलिप्त है। तो इस पूरे मामले को सरकार को भी देखना चाहिए, सरकार के जो मुखिया हैं, चाहे गृह विभाग के प्रमुख सचिव हो, चाहे अपर मुख्य सचिव हो, चाहे चीफ सेक्रेटरी हो, इन लोगों को भी देखना चाहिए कि अगर सरकार का भी नाम इसमें आ रहा है, सत्तारूढ़ दल के नेताओं का नाम आ रहा है, तो इस मामले की जांच निष्पक्ष कराएं, अपने स्तर से जांच कराएं, और जो सिपाही है उसको न्याय दें, और अधिकारियों को जो है अगर उसमें लिप्त पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। बिल्कुल, यानी कटघरे में देखिए सरकार भी खड़ी है, तो सरकार को भी सोचना चाहिए और सरकार को इस लिहाज से भी एक्शन लेना चाहिए कि भाई जो आरोप लग रहे हैं उनका जवाब मिले। ठीक है, आपके पास लौटेंगे, अमिताभ जी के पास जाएंगे। अमिताभ जी, अभी देखिए यहाँ पर आलोक जी ने भी कहा कि अगर सरकार का नाम आ रहा है, और जिस तरीके से अगर हम बयान की बात करें, सिपाही ने भी इस बात को कहा है कि जब मामले में जांच हुई तो उसे कई बड़े सफेदपोश लोगों के नाम इसमें निकल कर सामने आए, क्या यही वजह थी कि अधिकारियों ने, या अधिकारियों का खुद का भ्रष्टाचार था, या और लोगों को बचाने के लिए भ्रष्टाचार करवाया गया? ये एक बहुत बड़ा मामला भी हो सकता है, इसमें कई बड़े लोगों के नाम भी हो सकते हैं। अमिताभ जी, देखिए मैं यह जानता हूं कि उसमें जी उसमें मैं एक सज्जन है जो कहते पश्चिम के बड़े नेता हैं, सत्ताधारी पार्टी के काफी दबंग कहे जाते हैं, और काफी तेवर वाले और काफी हिंदुत्ववादी प्रखर नेता अपने आप को कहते हैं, उनका इस पूरे संदर्भ में नाम आया है कि उस इलाके में उनके द्वारा गड़बड़ियां की गई हैं, कराई गई हैं। तो जहां तक अफसरों की बात है, मैं यह जानता हूं कि इसमें दबाव भी और लालच भी, दबाव और लालच दोनों का इसमें रोल है मेरी समझ में, मेरी जानकारी में। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह मेरी समझ में है कि जो 6 FIR हुए हैं, आप उन 6 FIRों की विवेचना देख लीजिए, इतनी सतही विवेचना की गई है। मैं छोटे छोटे मामलों में तो ये मैं देख रहा हूँ, किसी के पांव से लंगड़ा कर दे रहे हैं, किसी को छाती पे गोली मार दे रहे हैं, किसी का घर गिरा दे रहे हैं, छोटे छोटे मामलों में 100 रुपए 200 500 के लूट में कर दे रहे हैं, 1500 करोड़ के सरकारी जमीन, 1500 बीघा सरकारी जमीन, शहर की सरकारी जमीन के हड़पने के मामले में इन्होंने बिल्कुल लेश मात्र कार्रवाई नहीं की। तो तमाम वहां के जो सत्ताधारी पार्टी के नेता हैं, उनके नाम, एक व्यक्ति का तो मैं विशेष करके नाम जानता हूं, हम लोग सबूत उनके लिए एकत्र कर रहे हैं। अन्य अफसरों की भूमिकाओं को लेकर सिपाही ने आरोप लगाया, और हमारी पार्टी जो आजाद अधिकार सेना है वह इस मामले को विशेष रूप से महत्वपूर्ण मानती है। जैसा आप कह रही, भूमाफियाओं, अफसरों और राजनेताओं तीनों के बीच साठगांठ का एक महत्वपूर्ण उदाहरण दिखता है। जो भ्रष्टाचार के विरोध की बात यह सरकार करती है, उसके थोथले दावों को सामने लाता है। बिल्कुल, यानी बात साफ है ना कि इसमें सिर्फ अधिकारियों के साथ साठगांठ नहीं हुई है, संलिप्तता राजनेताओं की भी है। अमिताभ जी, निश्चित रूप से ऐसा है। और आपने मैं आपका आपके आपके इस समाचार का, इस चैनल का मैं विशेष आभार प्रकट करता हूं, क्योंकि अब आप जानती हैं कि अब उन कलेजे की बातें अब हो गई हैं, हालात बदलते जा रहे हैं। करूंगा, आशा करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि इन मामलों की निष्पक्ष जांच हो, सिपाही को जिन हालातों से गुजरना पड़ा, उनके पिताजी का जो ब्रेन हैमरेज हुआ, जो जिंदगी मौत से खेल रहे हैं, उनको, उनके परिवार को न्याय मिले। इन बड़े तमगे लगाए हुए हैं, यह कुछ न्याय करें उस मामले में, मैं बस यही आशा करूंगा। और हमारी पार्टी बिल्कुल हम देखिए यही चाहते हैं कि लोगों को न्याय मिले। ठीक है, आपके पास लौटेंगे, अमिताभ जी के, आलोक जी के पास जाएंगे। आलोक जी, राजनेताओं की भी संलिप्तता है, क्योंकि सिपाही का भी कहना था कि उसमें सफेद पोशों के नाम थे,
कहीं ना कहीं यही वजह रही कि अधिकारियों को भी मिलीभगत करनी पड़ी। और देखिए भ्रष्टाचार किस चरम सीमा तक, किस लेवल तक है, ये ऐसे मामलों से अंदाजा लगाया जा सकता है। एक तरफ कहने को होता है ना कि भूमाफियाओं पर हम एक्शन कर रहे हैं, लेकिन ये भूमाफिया किसके संरक्षण में काम कर रहे हैं, इनको संरक्षण किसका प्राप्त है, ये जानकारी सबसे अहम हो जाती है। जी गरिमा जी, देखिए एक बात इसमें और भी जो मेरे दिमाग में आ रही है कि हाँ। क्या इतने बड़े अधिकारियों ने एक सिपाही को जांच के लिए कैसे लगा दिया? बिल्कुल और देखिए माफी चाहती हूँ, आपको रोक रही हूँ, सब जांच की बात नहीं थी। उसने ये भी कहा है कि देखिए लंबे वक्त तक उसको छुट्टी पर रखा गया ताकि जानबूझकर पोस्टिंग भी हुई, यानी खेल बहुत बड़ा था। जी तो वही मैं कह रहा हूँ कि हाँ। वहाँ पे एसओ रहे होंगे, दरोगा रहे होंगे, इंचार्ज रहे होंगे, उनको जांच ना दे करके विधिवत जांच दी जाती है कि आप इस प्रकरण की जांच करके हमको इतने दिनों के अंदर अपनी आख्या प्रस्तुत करें, वो ना करके उन्होंने व्यक्तिगत रूप से एक सिपाही को व्यक्तिगत रूप से छुट्टी दे करके उस काम में लगाया। तो जाहिर सी बात है कि वो एक बहुत हाई प्रोफाइल मामला था जिसमें वो नहीं चाहते थे कि बहुत बड़े लेवल पे कोई चीज सामने आए, लोग अधिकारी लोग जाने, इसीलिए उन्होंने अपने विश्वासपात्र सिपाही को उसमें काम में लगाया। वो बात अलग है कि उस विश्वासपात्र सिपाही ने अपने काम को कुछ ज्यादा ही अंजाम दे दिया जिससे उनको दिक्कत हुई और ये स्थितियां यहाँ तक पहुंची। तो अगर इस मामले में सरकार को संज्ञान जरूर लेना चाहिए और इसकी जांच अपने स्तर है तो जरूर इस मेरठ मंडल के जो अधिकारी लिप्त हैं इस मामले में, और हो सकता है कि इसमें कुछ सरकारी जो सत्तारूढ़ दल के नेता हैं वो भी इसका मामला नाम खुल के सामने आए, तो अब ये देखना होगा कि सरकार इसको कितना गंभीरता से लेती है, सरकार इस मामले की जांच कराती है या उन अधिकारियों द्वारा जो सिपाही को बर्खास्त कर दिया गया है उसी तरह से मामले को खत्म कर देती है। बिल्कुल साफ तौर पर देखिए सरकार का अब एक्शन लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ऐसे मामलों पर एक्शन नहीं होगा तो सरकार पर भी कई सारे सवाल खड़े होंगे। आखिरी सवाल राजू से करते हैं। राजू, पूरे मामले में सिपाही ने अपने परिवार वालों की जान का खतरा भी बताया है, क्या उसको किसी तरीके की कोई सुरक्षा मिली है, क्या उसकी ओर से अभी प्रतिक्रिया है फिलहाल, अब आखिरी एक्शन क्या लिया जाना है, कोई जानकारी सबसे जुड़ी आपके पास? हाँ बिल्कुल, देखिए हमारी पीड़ित से बात हुई थी इस संबंध में, तो उनका साफ तौर पर कहना था कि वो थाने गए थे, प्रार्थना पत्र वो देकर आए तो उनसे कोई भी पूछताछ वहां पर नहीं की गई, केवल प्रार्थना पत्र रख लिया गया और उनको चलता कर दिया वहां से। जब मीडिया में ये खबर वायरल हुई, सोशल मीडिया पर तेजी से खबर वायरल हुई, तो उसके बाद पुलिस अधिकारी एक्शन में आए और संबंधित थाने के एक दरोगा ने बेशक उनको फोन करके पूछा कि पूरा प्रकरण क्या है और उनको बाकायदा बुलाया भी कि आप मिलिए मेरे से आके, मैं आपसे बातचीत करूंगा और पूरा प्रकरण समझूंगा कि क्या है। लेकिन मेरठ के जो SSP है रोहित सिंह साजवान, उन्होंने आज पूरे मामले में एक ऑफिशियल जो बयान है प्रिंट मीडिया को जारी किया है, साफ तौर पर कहा है कि जो पीड़ित सिपाही है उसे पूर्व में बर्खास्त किया जा चुका है और वो अमिताभ ठाकुर की पार्टी से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, इसलिए आरोप प्रत्यारोप उसके द्वारा लगाया गया है। इस तरह का कोई भी मामला नहीं है, जो भी मामला था उसमें FIR दर्ज की गई है। लेकिन FIR दर्ज होने के बाद क्या कार्रवाई की गई, क्यों बड़ी जो कार्रवाई बुलडोजर की होनी चाहिए थी वो नहीं की गई, ये बड़े सवाल है। फिलहाल जो पीड़ित सिपाही है वो अपनी सुरक्षा की गुहार लगा रहा है, फिलहाल उसके जो पिता है वो जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया राजू आपका, आप सभी मेहमानों का भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। मुद्दे की बात में आज हम बात कर रहे थे उस मिली भगत की, उस भ्रष्टाचार की जो हर एक स्तर पर हो रहा है, क्योंकि एक तरफ सिपाही को किस तरीके से अधिकारियों ने पूरे मामले में फंसा दिया है, और इतना ही नहीं इस पूरे मामले में ये भी सामने आ रहा है कि न सिर्फ अधिकारियों की बल्कि राजनेताओं की मिली भगत भी हो सकती है, क्योंकि एक बड़े स्तर भ्रष्टाचार, एक बड़े स्तर पर घोटाला हुआ है, भूमाफियाओं के साथ मिली भगत हुई है, जिसके बाद सभी कटघरे में खड़े नजर आ रहे हैं। मुद्दे की बात में आज इतना ही, आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।